हेलो जी स्टूडेंट्स, मैं अदिति व्याख्या फ्रॉम गवर्नमेंट पंडित जेएलएन आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज आप सभी के साथ में जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज जो कि है येलो रस्ट ऑफ वीट। ठीक है, येलो रस्ट ऑफ वीट के बारे में जो है एक जनरल ओवरव्यू जो है मैं इस डिजीज का आप लोग को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देने जा रही हूँ। आइए जानते हैं कि येलो रस्ट ऑफ वीट क्या होता है। इसके पहले जो प्रीवियस वीडियोस थे हम लोगों ने उसमें जाना कि रस्ट जो है किस तरीके से इन्फेक्शन काउज करता है एंड रस्ट जो है कौन कौन सी वीट की स्पीशीज होती है जिसमें इन्फेक्शन काउज करता है। इसके अलावा जो ब्लैक रस्ट जिसको स्टेम रस्ट कहते हैं वह किस तरीके से होता है, उसका काउजल ऑर्गेनिज्म, डिजीज साइकिल एंड डिजीज मैनेजमेंट देखा। आज उसी का जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं वो है येलो रस्ट ऑफ वीट। तो येलो रस्ट ऑफ वीट का आइए हम थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो येलो रस्ट ऑफ वीट होता है ये जनरली जो है इसको देखा जाता है कि येलो रस्ट ऑफ वीट जो है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक ही लिमिटेड होते हैं, यानी इन्हीं एरियाज में जो है इस डिजीज को देखा जाता है। इसके अलावा जो है ये येलो रस्ट ऑफ वीट जो होते हैं ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू किसके, ब्लैक रस्ट के कंपैरिजन में। ये जनरली क्या करते हैं, ये रस्ट जो होते हैं ये अपियर होते हैं ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जनवरी टू फरवरी, यानी कि ये जो डिजीज है वह जनवरी से फरवरी के बीच में देखने को मिलता है। इस डिजीज के कारण क्या होता है, हैवी क्रॉप लॉस होता है। ठीक है, हैवी क्रॉप लॉस होता है। इसके अलावा जो होता है कि ये जो इसमें स्पाइकलेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्पाइकलेट्स जो फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्टेराइल होते हैं। स्पाइकलेट्स कैसे स्टेराइल हैं एंड साथ ही साथ में जो है ये स्पाइकलेट्स जो स्टेराइल होते हैं, इसके अलावा जो ग्रेन्स का जो फॉर्मेशन होता है कई बार इस डिजीज के कारण, वो ग्रेन्स कैसे होते हैं, ये बैडली श्रिवल्ड होते हैं। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड पार्ट होता है वो कौन सा होता है, फोलिएज पार्ट। आइए इस डिजीज का जो है हम लोग थोड़ा सा सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स यानी कि लक्षण, इस डिजीज के जो है लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इस डिजीज के लक्षण में जनरली हम लोग को देखने को मिलता है कि जनरली क्या होता है कि जो है इस डिजीज में लीफ के जो पोर्शन होते हैं, लीफ के पोर्शन में क्या होता है, हमें हल्के से जो है येलोइश कलर के, येलोइश टू ऑरेंज कलर के जो है, जिनको ब्राइट कलर कहा जाता है, वो ब्राइट कलर के जो है पिस्ट्यूल्स नजर आते हैं। ठीक है, किस तरीके से, येलो पिस्ट्यूल्स, ठीक है, येलो पिस्ट्यूल्स जो है नजर आते हैं, जो कैसे होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। इसके सिम्टम्स जो होते हैं जनरली कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, लीव्स में जो है शुरुआती स्टेज में देखने को मिलता है, धीरे से जो है ये फैल जाते हैं टू द स्टेम पोर्शन भी। फिर ये पिस्ट्यूल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, ये पिस्ट्यूल्स जो अरेंज होते हैं किसमें, लीनियर फॉर्म में, लीनियरली जो है ये पिस्ट्यूल्स अरेंज होते हैं। इसके अलावा जो है ये देखा जाता है कि ये जो स्ट्राइप्स होती हैं, ठीक है, पहले तो स्टेजेस में जो है ये थोड़ी सी छोटी होती हैं, बट धीरे धीरे जो ये स्ट्राइप्स होती हैं वो क्या होती हैं, वह इंक्रीज हो जाती हैं और थोड़ा सा स्ट्राइप जो है ज्यादा ही बड़ा देखने को मिलता है। लाइक ये जो लीफ है, गेहूं का, ये जो गेहूं का लीफ है इसमें हमें क्या करने को मिलता है, पिस्ट्यूल्स जो है येलो कलर के जो पिस्ट्यूल्स है वो देखने को मिलते हैं, जो कि लीनियरली अरेंज होते हैं। ठीक है, लीनियरली अरेंज होते हैं, ये बिल्कुल जो है जिस तरीके से हमारे वेन्स जो है बिल्कुल स्ट्राइप्ड होते हैं, उसी कंडीशन में जो है ये पिस्ट्यूल्स भी जो है बिल्कुल लीनियरली अरेंज फॉर्म में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जनरली इसका सिम्टम्स और ये होता है कि लाइक जो है स्ट्राइप्स जो होते हैं वो येलो कलर के तो होते ही हैं, बट येलो के अलावा जो है ये कैसे होते हैं, ये ऑरेंज कलर के भी, येलो टू ऑरेंज कलर के जो है नजर आते हैं।
बाद में धीरे से क्या होता है कि इनमें जो है टिलियोस्पोर का निर्माण होता है, तो टिलियोस्पोर के निर्माण के कारण क्या होते हैं, ये जो येलो पिस्ट्यूल्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं टू द ब्लैक कलर। क्यों? क्योंकि जो है टिलियोस्पोर जो है डल ब्लैक इन कलर होते हैं। आइए इसका जो है हम लोग काउजल ऑर्गेनिज्म जानते हैं। काउजल ऑर्गेनिज्म यानी कि ये डिजीज जो है किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये जो डिजीज है येलो स्ट्राइप राइस्ट ऑफ येलो स्ट्राइप रस्ट ऑफ व्हीट, ये जो है जनरली पक्सीनिया स्पीशीज के द्वारा होता है। ठीक है, पक्सीनिया स्पीशीज में से कौन सी पक्सीनिया की स्पीशीज जो है इन्फेक्शन कॉज करती है, वो है स्ट्राइफॉर्मीज। ठीक है, पक्सीनिया की जो स्ट्राइफॉर्मीज होती है यह जनरली क्या करती है, इन्फेक्शन कॉज करती है। आइए इसका एटियोलॉजी जान लेते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मीज जो है वो यूरिनोस्पोर्स के द्वारा जो है इन्फेक्शन कॉज करती है। तो यूरिनोस्पोर्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यूरिनोस्पोर्स जो होते हैं जनरली राउंड एंड शेप्ड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये वन सेल्ड होते हैं। देन इसके अलावा ये जो यूरिनोस्पोर्स होते हैं एकी न्यूक्लिएट होते हैं, एकी न्यूक्लिएट, इनमें 6 to 10 जर्म पोर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है ये जनरली जो यूरिनोस्पोर्स होते हैं इनका डायमेंशन जो होता है वो होता है 23 to 25 into 20 to 25 μm। ठीक है, देन इसके अलावा जो है जनरली ये देखा जाता है कि यूरिनोस्पोर्स जो है क्या करते हैं, प्रोपगेट करते हैं जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तब। एंड देन इसके बाद में यूरिनोस्पोर्स के बाद में क्या होता है, ये किसका देखा हमने एटियोलॉजी, ये था यूरिनोस्पोर्स का। अब यूरिनोस्पोर्स जो होते हैं धीरे धीरे एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी क्या होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इन टू टिलिटोस्पोर्स। तो आइए देखते हैं कि टिलिटोस्पोर्स जो है किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो टिलिटोस्पोर्स जो होते हैं जनरली रप्चर तो नहीं करते हैं, बट ये टिलिटोस्पोर्स जो होते हैं डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, डार्क ब्राउन इन कलर होते हैं। देन ये टिलिटोस्पोर्स जो होते हैं ओब्लॉन्ग, इनका शेप क्या होता है, ओब्लॉन्ग शेप के होते हैं। देन इसके अलावा जो है ये 35 to 63 into 12 to 20 μm ठीक है इन डायमीटर होते हैं। और ये जनरली क्या करते हैं कि ये जो है इन्फेक्शन काउज करने का काम नहीं करते हैं टिलिटोस्पोर, जो इन्फेक्शन काउज करता है वो क्या है, यूरिनोस्पोर। आइए इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होते हैं वह जान लेते हैं। तो फेवरेबल कंडीशंस में, फेवरेबल कंडीशंस जब हम फेवरेबल कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो फेवरेबल कंडीशंस में हम लोग देखते हैं कि जो पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मीज होता है, ठीक है, उसको जो है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए जो है लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। लो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 15 to 20 degrees centigrade होना चाहिए। और इसके अलावा जो है इनको हाई ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है, यानी कि जितना जितना ह्यूमिडिटी जो है तापमान वातावरण में होगा उतना ज्यादा जो है इन्फेक्शन कॉज करने के चांसेस इंक्रीज जाते हैं। टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर जनरली जो है 15 to 20 degrees centigrade जो होना चाहिए, लेकिन ये अबव 10 degrees centigrade भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है हम आइए देख लेते हैं इसका डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल, जैसे कि हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो इन्फेक्शन होता है ये किसके द्वारा होता है, यूरिनोस्पोर्स के द्वारा होता है। ठीक है, इन्फेक्शन कहाँ से हो रहा है, यूरिनोस्पोर्स के द्वारा हो रहा है। ये यूरिनोस्पोर्स जो हो रहे हैं ये आते कहाँ से हैं, तो यूरिनोस्पोर्स जो है विंड के द्वारा डिसेमिनेट होते हैं। तो इनको जो है जनरली क्या होते हैं, पक्सीनिया की स्पीशीज जो होती है हेटरोशियस नेचर होती है, तो यानी कि जो है ये अल्टरनेट होस्ट पे जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि जो है डिजीज, जो येलो स्ट्राइप रस्ट डिजीज है उसका इन्फेक्शन जो है यानी डिजीज साइकिल किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग को पता है, जैसे कि इसका प्राइमरी होस्ट, ठीक है, प्राइमरी होस्ट कौन है, प्राइमरी होस्ट जो है इसका वीट प्लांट है। ठीक है, वीट है, वीट में जो है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट हो रहे हैं, यूरिडियल
स्टेज में जो है ये प्रेजेंट हो रहे हैं। यूडल स्टेज में क्या बन रहा है, यूरिडोस्पोर्स का निर्माण हो रहा है, ठीक है, यूरिडोस्पोर्स का निर्माण हो रहा है। अब ये जो यूरिडोस्पोर्स होंगे ये क्या करेंगे, धीरे से जो है एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी क्या करेंगे, टीलियल स्टेज का निर्माण करेंगे, टीलियल स्टेज। देन ये टीलियल स्टेज में क्या होंगे कि टीलियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, टीलिटो स्पोर्स का निर्माण होगा। एंड देन धीरे से जो है क्या होगा कि टीलिटो स्पोर्स में जो है क्या होगा, मियोसिस की प्रोसेस होगी, जर्मिनेशन एंड मियोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। जर्मिनेशन एंड मियोसिस के द्वारा क्या करते हैं, ये टीलियल स्टेज जो है ये कन्वर्ट होते हैं या फिर जो है बेसिडियो स्पोर्स का निर्माण करते हैं, बेसिडियो स्पोर्स का निर्माण करते हैं। देन ये बेसिडियो स्पोर्स क्या करते हैं, ये आगे चल के जो है स्पर्मागोनियल स्टेज जो है ये बनाते हैं। अब ये स्पर्मागोनियल स्टेज में जो है क्या होगा कि जनरली जो है स्पर्मेशिया और स्पर्मागोनियम का फॉर्मेशन होगा, जिससे कि आगे चल करके क्या होगा, एशियल स्टेज का निर्माण होगा। अब ये एशियल स्टेज में क्या होगा कि इसमें जो है एशियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, एशियो स्पोर का जो है फॉर्मेशन होगा। अब ये एशियोस्पोर्स जो है आगे चल करके जो है वापस से होस्ट प्लांट में जाएंगे, कहां पे, वीट में। तो ये जो है जनरली हम लोगों ने क्या देखा कि एशियोस्पोर्स जो है कहां जा रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं वीट में, ठीक है, और वीट में जाकर के क्या कर रहे हैं, ये एज अ प्राइमरी होस्ट जो है वीट में काम कर रहे हैं। यानी कि वीट में जो इन्फेक्शन कहां से हो रहा है, यूरिडियल स्टेज से ही हो रहा है, यूरिडोस्पोर्स के द्वारा हो रहा है। यूरिडोस्पोर्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली जो है होस्ट प्लांट में इन्फेक्शन काउज कर रहे हैं, और इन्फेक्शन काउज करके जो है क्या कर रहे हैं, ये एज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन मेथड भी जो है यूरिडोस्पोर का ही है। अब ये यूरिडोस्पोर्स जो है इन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन काउज कर दिया, इन्फेक्शन काउज कर दिया। देन उसके बाद में एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी क्या होगा कि टीलियल स्टेज का फॉर्मेशन होगा, टीलियल स्टेज में क्या होंगे, टीलिटोस्पोर्स निर्माण होंगे। ये टीलिटोस्पोर्स कहां प्रेजेंट होंगे, सॉइल में, ठीक है, सॉइल में जाकर के जो है ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके जो है बेसिडियोस्पोर का निर्माण करेंगे। देन ये जो बेसिडियोस्पोर्स होंगे ये हवा के माध्यम से, ठीक है, अल्टरनेट होस्ट में जाएंगे, अल्टरनेट होस्ट में जाकर के क्या करेंगे, अल्टरनेट होस्ट में जाकर के क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को जो है कंप्लीट करेंगे, जहां पे स्पर्मेशिया स्पर्मागोनिया का फॉर्मेशन होगा, और स्पर्मेशिया स्पर्मागोनिया से जो है एशियल स्टेज का डेवलपमेंट होगा, और ये एशियल स्टेज से जो है एशियोस्पोर का निर्माण होगा। देन अगेन जो ये एशियोस्पोर्स होंगे ये क्या करेंगे, आगे चल करके फिर से जो है वीट के जो नेक्स्ट सीजन में जो है वीट के जो प्लांट है उनमें जाएंगे, और वहां पे जाकर के जो है उनकी लीव्स में जो है जाकर के जो है सेटल डाउन हो जाएंगे या फिर फॉल ऑफ हो जाएंगे। देन वहां पे जो है क्या करेंगे, वो यूरिडियल स्टेज का जो है एशियोस्पोर से यूरिडियल स्टेज का निर्माण होगा, एंड द यूरिडियल स्टेज से जो है क्या होगा, उसके अंदर यूरिडोस्पोर्स का निर्माण होगा, एंड द यूरिडोस्पोर से फिर टीलियल स्टेज। इस तरीके से जो है ये इन्फेक्शन जो है पूरी तरीके से चलती रहती है। तो इसी को कहते हैं हम डिजीज साइकिल। जनरली जो है क्या होता है कि जो येलो स्ट्राइप रस्ट ऑफ वीट जो होता है, इसमें जो है इन्फेक्शन देखने को मिलता है, कहां से, यूरिडोस्पोर के द्वारा प्राइमरी इन्फेक्शन हो रहा है, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी जो है यूरिडोस्पोर के द्वारा ही हो रहा है। अब जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं ये कब आते हैं, ये इन द मंथ ऑफ जनवरी टू फरवरी जो है ये वीट के जो प्लांट है उनमें इन्फेक्शन काउज करते हैं, जब टेम्परेचर कितना होता है 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हाई टेम्परेचर होता है। तो इस तरीके से जो है इनमें डिजीज उत्पन्न हो गया। तो आइए इसका डिजीज मैनेजमेंट जान लेते हैं कि किस तरीके से डिजीज को जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। डिजीज मैनेजमेंट यानी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वेरियस मेथड्स उपयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे तो क्या होगा कि जो है गेहूं के प्लांट्स जो हैं वो एक दूसरे के एग्जैक्टली पास पास नहीं होंगे, और क्रॉप्स जो होंगे एक दूसरे से दूर होंगे। तो क्या होगा कि जो है गेहूं के प्लांट्स जब एक दूसरे से दूर होंगे और मिक्स्ड क्रॉपिंग होगी, तो उसमें क्या होगा कि डायरेक्टली जो है
ए लार्ज एरिया जो है, ठीक है, वो इस डिजीज से जो है एकदम ज्यादा इन्फेक्ट होने से बच जाएगा, यानी कि इन्फेक्शन का जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं, जिसके कारण जो है डिजीज के कारण क्या होता है कि जो वीट के ग्रेन्स होते हैं वो कम मात्रा में ही जो है उनमें लॉस देखने को मिलता है। देन उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम अवॉइड कर सकते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को, ठीक है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के जो है कम उपयोग करने से भी जो है इस डिजीज से जो है थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा जो है हम कुछ फंजीसाइड स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि जिनब है, ठीक है, जिनब को हम क्या कर सकते हैं 2.5 kg पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग जो है हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, प्रोपिकोनाजोल, ठीक है, प्रोपिकोनाजोल को हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम स्प्रे कर सकते हैं एट द 0.1%, जिसके द्वारा जो है इस डिजीज को रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम रेजिस्टेंट वराइटीज का उपयोग कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वराइटीज जैसे कि PBW 343, ठीक है, देन PBW 550, PBW 17, ये जो है कुछ रेजिस्टेंट वराइटीज है जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, और उपयोग करके जो है हम डिजीज को जो है बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना इन्फेक्शियस स्टेज में आने से रोक सकते हैं। आई होप आपका ये जो टॉपिक था ये समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।